गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि आपको पता है आपका अवसर ऐप के ऊपर पेपर होना है। क्लास थर्ड का हम EBS का लेसन नंबर 14 कर रहे हैं, दाएं बाएं चार दिशाएं। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हैं जो आपके अवसर ऐप में पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्नों को पढ़ना हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, सुबह स्कूल जाते समय सूर्य कौन सी दिशा में होता है सुबह के समय? ऑप्शन है पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण। क ख ग घ में से आपको एक आंसर बताना है, कौन सा होगा? यस, ऑप्शन क, पूर्व दिशा में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर दो है, आपका मुंह पूर्व की तरफ हो तो आपके पीछे की तरफ कौन सी दिशा होगी? यदि आपने पूर्व की तरफ मुंह किया हुआ है तो आपकी कमर वाली साइड कौन सी दिशा में होगी? पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में? तो बताएं पूर्व के ऑपोजिट दिशा कौन सी होती है? यस, पश्चिम। तो ऑप्शन ख जो है हमारा सही आंसर है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर तीन, पूर्व दिशा में मुंह करके खड़े होने पर आपके दाएं हाथ की तरफ कौन सी दिशा होगी? पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण? कौन सी दिशा होगी आपके दाएं हाथ की तरफ? यस, ऑप्शन हमारा दक्षिण यानी के घ। ठीक है, प्रश्न नंबर चार, पूर्ण सूर्यास्त किस दिशा में होता है? पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में? यस, सही आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन ख, पश्चिम दिशा में। सूर्य जो है पश्चिम दिशा में छिपता है ना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिशाओं की कुल संख्या कितनी है? एक, दो, तीन या चार? कुल कितनी दिशाएं हैं? यस, ऑप्शन घ, चार दिशाएं। मानचित्र में ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होती है? पूर्व होती है, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण? कौन सी दिशा होती है अगर हम चित्र मानचित्र को देखें तो ऊपर की तरफ? यस, ऑप्शन ग, उत्तर दिशा। तो बच्चों ये 6 क्वेश्चन थे, आप इनको अच्छे से ध्यान से पढ़ें, इनमें से ही आपके अवसर ऐप के ऊपर कुछ प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।